साक्षी हम पर इतने गंभीर आरोप लगे, जिस पर इतने गंभीर आरोप है, अगर वो प्रतिनिधि बन जाए आपका तो क्या लज्जित नहीं महसूस करेंगे आप? मऊ में स्मृति ईरानी ने गठबंधन प्रत्याशी को घेरा। अतुल राय हैं मऊ की घोसी सीट से गठबंधन प्रत्याशी। अतुल पर पूर्व छात्रा लगा चुकी है दुष्कर्म का आरोप। अतुल के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में दर्ज है मामला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्तर प्रदेश के मऊ में गठबंधन प्रत्याशी को घेरते हुए ऐसा बयान दिया कि वो चर्चा में आ गया। सोनी धाबा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रैली करते हुए स्मृति ने महागठबंधन के प्रत्याशी को बलात्कारी बता दिया। स्मृति ईरानी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि क्या मऊ की जनता एक बलात्कारी को चुनकर अपने आप को लज्जित महसूस नहीं करेगी? यहाँ की घोसी लोकसभा क्षेत्र से अतुल राय गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वहीं बीजेपी ने हरिनारायण राजभर को अपना प्रत्याशी बनाया है। दरअसल स्मृति ईरानी ने अतुल राय को घेरते हुए कहा कि एक ऐसा आदमी जो दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोपी है, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को वोट देकर अपना सम्मान नीचा करना चाहेंगे? अतुल राय के ऊपर वाराणसी के यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप है। उनके ऊपर वाराणसी के थाने में इन आरोपों के अंतर्गत मामला भी दर्ज है। हाई कोर्ट ने अतुल राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। स्मृति ने इन आरोपों को ध्यान में रखकर उनके बारे में इस तरह की बात कही। और आज बात अगर महिला सम्मान की करती हूँ, तो इस बात का दुख व्यक्त करती हूँ कि मऊ की इस पावन धरती से महामिलावट का जो प्रत्याशी है, उस पर इतने गंभीर आरोप लगे, जिनकी मुखिया स्वयं महिला हो। मेरा उनसे निवेदन है कि आत्मचिंतन करें। जिस पर इतना गंभीर आरोप है, क्या वो महिला का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा? इसलिए आज मऊ की धरती को ये निर्णय करना है। ये वो धरती है जो अपनी क्रांति के लिए, अपने संस्कार के लिए जानी जाती है। क्या इस धरती पर कलंक लगेगा एक बलात्कारी का? आज यहाँ जितने भाई उपस्थित हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ, जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं, अगर वो प्रतिनिधि बन जाए आपका, तो क्या लज्जित नहीं महसूस करेंगे आप? इसलिए अगर प्रण लेना है संस्कार का, अगर संकल्प लेना है महिला सम्मान का, तो सपरिवार 19 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाए, कमल का बटन दबाए, हरी हरी को जिताए। उधर जिस लड़की को लेकर अतुल राय पर ये मामला दर्ज हुआ है, उस लड़की ने भी इकबालिया कहा कि अतुल राय ने उनके साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना काम किया है। मऊ की घोसी लोकसभा क्षेत्र से अतुल राय गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वहीं बीजेपी ने हरिनारायण राजभर को अपना प्रत्याशी बनाया है।